सुंदर स्वर्ग में कहां से आए मच्छर, आपके मच्छर, आपके मच्छर। साला एक मच्छर शेर को भी रास्ते पे ला देता है, फिर इंसान क्या चीज है, कैसे सो पाएंगे। कितने दिन से बोल रहे थे एक छोटा सा गुड नाइट ला दो, नहीं ला देंगे क्यों, मेरे इस घर में किसी को पड़ी नहीं है, सबको अपने अपनी सोच पे खड़े रहते। सोना जी, जी बात करो, बाहर निकलो, काम पे नहीं जाना है। बार-बार रखना पड़ता है क्योंकि महीना निकलने में ज्यादा दिन नहीं रहता है और हर महीने पे तनख्वाह कट के आती है। मेरा टेंशन तो मत रख, मेरा जॉब का मेरा परेशान है, तेरा नहीं। ठीक है ठीक है। 4 मिस कॉल हो गए, ये लड़की भी ना मिस कॉल ही करती है। हेलो हेलो, क्या कर रही थी, क्यों चिल्ला रही इतने, काम कर रही थी या बैठी थोड़ी हूँ। अच्छा अभी मैं क्या बोल रही, मेरी बात सुन। बोल। अभी मैं तेरे घर पे आ रही हूँ। मेरे घर आ रही है? हाँ। तू हाँ। आ जा, आ जा। मैं तो घर पे कहाँ जाऊंगी, मेरे जीजा जी किधर है, वो सड़ रहे हैं। बोलूंगी ना, जब भी आती है, जब भी फोन करती है, जीजा जी का ही पूछती है, कभी मेरी खबर पूछी तूने कैसी है कैसी नहीं है। जीजा जी दिखता है, जीजा जी दिखता है तुझे, मुझे सब पता है। आजा 10 मिनट में जल्दी आना। हाँ ठीक है। बड़ी नटखट है ये लड़की, लेकिन ससुराल जाएगी ना तो मेरी तरह है ना, बकरी डब्बे में फिट हो जाएगी। ओहो, किस क्या करूँ मैं, जो टाइम लेट हो गया, टाइम लेट हो गया, लेट हो गया। अभी का इतना टाइम हुआ है, अभी का टाइम 9:30 बज गया, 9 बजे का तो टाइम है, 9 बजे का ट्रेन है, इसीलिए चिल्लाती रहती हूँ जल्दी उठो जल्दी उठो, लेकिन मेरी बात तो है ना किसी की पल्ले नहीं पड़ती है। आज नहीं जाऊँगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, एक दिन मेरा रजा रहेगा तो क्या यार, कोई झगड़ती है मैं सर। कोई बात नहीं, सब जानती हूँ, सर पे दर्द है तेरे को सब पता है, सब पता है। सर पे जब भी मैं बोलती हूँ सर पे दर्द हो जाता है, लेकिन जब मेरा सर घूमने लगेगा ना तो कहीं भी दवा नहीं मिलेगी, इतना आप है ना सोच लीजिए। तेरा सर पर कुछ घूमने नहीं, मेरा दर्द हो रहा है सर पे। ठीक है, अभी आ रही है लड़की, अभी आई नहीं, आऊंगी 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 करती है, लेकिन कभी टाइम पे तो आती नहीं है। हाय हाय, बैठ बैठ बैठ, पहले उससे मिल ले, मिल ले उससे, मिल लिया उससे, अभी तेरे को मिल लूं। मुझे तो मिलेगी ना, मैं उसका जीजा हूँ। तो मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, बड़ी बहन हूँ। हाँ तो बहन की तरफ जीजा बाद में आया, पहले दीदी की शक्ल देखी थी इसने, पूछो। तो झगड़ने के लिए इसको बुलाई है, प्यार करने के लिए, प्यार से बैठने के लिए। पानी पिएगी या चाय पिएगी? क्यों इतने दिन के बाद आए तू, ले पानी पी ले। कितनी मोटी हो गई है, थोड़ा खाना बोलती है, थोड़ा बाहर का खाना कम कर दे, नहीं मोटी होती जा रही है। कोई कल कोई लड़का देखने आएगा और उसको कोई पूछेगा ना कि कहाँ जा रहा है, तो लड़का ये नहीं बोलेगा कि लड़की देखने जा रहा हूँ, लड़का ऐसा बोलेगा कि कुंभकर्ण की बहन को देखने जा रहा हूँ। तू खाना शुरू कर दे पहले, तेरा मन पीएंगे पानी, मेरे को नहीं पीना है, घर में है ही नहीं, जहर पिला देते, जहर पिलाने वाला है मुझे। चुटकी बजाने से घर का काम हो जाता है, मेरे हाथ कैसा है, तो मैं भी आऊंगी, भगवान ने मुझे भी मुंह दिया है। हो गया पोता, हो गया जहन्नुम में। क्या हुआ क्या हुआ, ऐसी बातें मत बना, और इसके लिए चाय पानी बना को, इसको चाय नहीं पिलाऊंगी, डॉक्टर ने बोला इसको शुगर की बीमारी है, नाश्ता लाती हूँ। देखा मेरी दीदी ने तेरा ख्याल रखती है, तेरा ख्याल रखती है। मिले
कुछ नहीं है। और कुछ खाएगी? तेरी छोटी बहन है, बहुत प्यारा है। मालूम है? हाँ। दीदी, वो कुरकुरे है, कुरकुरे। बहुत मजा आ रहा है। क्या है बॉबी में? ये क्या है? ये जहर के पकौड़े हैं, जहर के। एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन। गिर गया, गिर गया, गिर गया। गिरी हुई चीज नहीं उठाते, गिरी हुई चीज में देता ही नहीं। तो कुछ कर? मैं क्या बोले? तूने खाने के लिए क्या बनाया? मेरे को काट जाएगी, मेरे को काट जाएगी। क्या है? परसों कहाँ जाना? परसों कहाँ जाना? हसन है, इतना क्यों धक्का लगाते हैं? मुरमुरे। क्या? बुलबुले। बुलबुले तो खा, मेरे को नहीं खाना है। उसमें क्या मलाई पकोड़े थे? इसके हाथ से खाया मलाई पकोड़े थे। वो तो साली है ना? साली है, साली है। तू बड़ी नटखट है। क्यों? अच्छा नहीं लगता कुछ इसको। नहीं, ये ना क्या किया? अब क्या खाएगी? अभी तो नहीं खाने के लिए। चल मैं रसोई घर में जाती हूँ, कुछ बनाती हूँ। किया खाने में कुछ उबालने छोड़ देते हो? चल चल दूसरा मजा ही नहीं आता। सुन ले मेरी बात, शाम को कहीं नहीं जाना है, दो तीन दिन आइए तो रुक जा। पास नहीं जाना है। वो तो मालूम है, शाम को तुझे गोल गप्पे खाना है। मैं ले जाऊंगी तुझे, लेकिन दो तीन दिन घर पे रुक जा, यहाँ बड़ी मुश्किल से फिर आना मिलता है। और ससुराल चली जाएगी ना, फिर आना जाना सब कैंसिल हो जाएगा मेरी तरह। तो मेरे को शादी नहीं करनी है दीदी। वो तो सब मैं भी ऐसे ही बोलती थी, लेकिन देख तो बड़ी बड़ी बातें मत कर। और चूल्हे में क्या रख के आई तू? खिचड़ी। कुछ जलने की बदबू आ रही है दीदी। बदबू आ रही? खिचड़ी तेरी जल रही है? मेरी खिचड़ी जल रही? मुझे सब पता है कि क्या बहाना ये लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले से मेरे को पता है, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। क्यों? एक तरफ देखू तो मेरा पति है, दूसरी तरफ देखू तो मेरी अपनी ही बहन है। बोले तो किसको बोले, लेकिन आज मेरी खिचड़ी चाहे पक जाए चाहे जल जाए, लेकिन तुम लोगों की खिचड़ी नहीं पकने दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धनसुख भंडारी उर्फ विजुड़ी। हम आपके लिए सब मिलके एक मस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसमें कॉमेडी है, दीदी है, पति है, और साली और जीजू की एक अनोखी कॉमेडी है। जो आपको ये कॉमेडी पसंद आए तो हमारी इस कॉमेडी, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पर हाँ हमारी इस जी सीरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो मित्रों, मेरा नाम है पंचाल राजेंद्र, और ये कॉमेडी आपको अच्छा लगे तो हमारी जी सीरीज चैनल है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्णा बेस, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी जी सीरीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक ही वीडियो नहीं है, आप सदा के लिए देखते रहिए, हर दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के एक दिन पे आपको ये हिंदी कॉमेडी आपको हम जरूर दिखाएंगे और पेट भर भर के हंसाएंगे। देखते रहिए, धन्यवाद।